प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सैलाब मुतासरीन के हवाले से। सिंध बुरी तरह मुतासर हुआ और इसके हवाले से इकदाम नहीं किए गए। 15 साल से मुसलसल सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ब्रेक से पहले हम गुलाम मोहम्मद शैलानी साहब MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे बात भी कर रहे थे। उनकी जो दुख भरी दर्द भरी कहानी थी वो सुनकर तो हमें अफसोस हो रहा था, और ख़ुद वो CM सिंध से अपील कर रहे थे कि उनकी मदद की जाए। उनका पूरा एरिया जो है वो पानी में डूब चुका है, और चूँकि साउथ पंजाब साउथ बलूचिस्तान की तरफ से जो पानी का रेला है उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब शाहनवाज़ जदून साहब ने, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जदून साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सिंध इस वक्त, आज CM सिंध कह रहे थे कि ये दरिया बना हुआ पूरा सिंध है, किस तरह देखते हैं सिंध हुकूमत? 15 साल से मुसलसल सूबे में है, छोटे डैम्स नहीं बनाए गए, इकदाम नहीं किए गए, बहुत सारा डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है था जो कि नहीं किया गया, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, हुकूमत की प्लानिंग हमें नज़र नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो जितने भी लोग इस सैलाब में बेघर हो गए उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, और जितने लोग, मैं तो उनको शहीद कहूंगा, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। अब देखिए सिंध गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है। हम आज भी गए थे ये टट्टा बदीन और इस तरफ, बुरा हाल है। हर जिले में आप चले जाए बुरा हाल है, ना कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाले नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो नजर ही नहीं आते हैं। कल बिलावल हाउस अपना सॉरी बिलावल साहब को तो बैरूनी दौरों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो मेरे ख्याल से आज या कल फिर जाने वाले हैं। उनको तो चाहिए था कि हाँ बैठ जाते, सारे अपने मिनिस्टरों को बैठा देते, कम अज कम उनके बैठने से उनके मिनिस्टर तो होंगे, अपने हलकों में बैठे होंगे, उनके MGAs बैठे होंगे, क्योंकि जाहिर है इंटीरियर सिंध में अक्सरियत इनके MPA और MNA हैं, लेकिन वो भी कराची में बैठ गए और अपने लोगों को बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है। खाने को नहीं है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। आप यकीन करें कि लाशें जो ना पड़ी हुई है उसमें नीचे वो कीचड़, उसमें जो बिल्कुल पानी में अभी तक, तो वो निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट तो 15 साल से, आप सही कह रहे कि 15 साल से मुसलसल इस सूबे के अंदर ये हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ना इन्होंने डैम बना। ये पानी ये स्टोर भी कर सकते थे, इनके पास अगर कोई प्लानिंग इनकी होती तो ये स्टोर कर सकते थे। जमीनें माशाल्लाह सिंध काफी ज्यादा हुए, उसमें भी जराए उसमें भी इसमें इस्तेमाल इसमें कर कोई शक सकते नहीं, थे। शाहनवाज जदून साहब, ये सारे इकदाम तो पेश के इकदाम हो सकते थे, और आपको भी पता है अंदरून सिंध में चूंकि खुश्क साली से और कहत साली से लोग मर रहे होते हैं, पानी आता है, और बलूचिस्तान और जनूबी जब हम अंदरून सिंध की बात करते हैं तो यहाँ यही हाल है। क्यों इकदाम नहीं किए जाते, और तो जब इस तरह का मौका आता है तो फिर अब फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब इन्होंने चूंकि फंड्स के लिए रिलीफ फंड कायम भी कर दिया, और साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका 15% तनख्वाह का की कटौती होगी। टीचर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो ऑफिशियली फंड रखा गया है वो कहाँ लगा? साला साल वो फंड्स नहीं लगता, वो इस्तेमाल नहीं होता, इन्हीं दिनों के लिए रखा जाता है। तो टीचर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हम पहले ही हम भी मुतासरीन में शामिल हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है और ऊपर से 15% आप इस पर कटौती कर रहे हैं। तकीर भाई बाकी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। देखिए ये तो काट देते हैं सरकारी मुलाजमीन से भी, काट देते हैं सबसे, लेकिन अवाम तक वो नहीं पहुंच पाता है। आज भी लोग, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, कोई इनका कोई रिलीफ कैंप नहीं है। मतलब यानी कि उस दिन बिलावल साहब गए और घूम के वापस आ गए, लोगों ने एहतजाज किया इनके बिल्कुल सामने ठीक कह रहे कि हैं, वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, और वहां से एक बुजुर्ग शहरी की जो वीडियो आपने भी देखी होगी वायरल हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहर है, बिलावल साहब तवज्जो दें हम पे नहीं तो हम आपका रास्ता रोकेंगे। लोग दुहाइयां दे रहे हैं और वहां पे जा नहीं रहे। CM सिंध 2-3 जगहों पे गए, वहां पे भी आवाम ने प्रोटेस्ट किया और वो मुख्तस किया गया, इनका जो कैंप था वहां से ही दौरा करके वो वापस आ गए। तो इस तरह तो लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सकेगा, किस तरह लोगों की मदद की जा सकेगी? सकीर भाई मैं यही बोल रहा हूँ ना कि बिलावल साहब को बैरूनी दौरों से फुर्सत मिले तो सही ना। अब ये वक्त है कि वो यहाँ बैठ जाते हैं, उनके मिनिस्टर उनके साथ होते हैं, उनके MPAs कम अज कम इसके सामने तो होते हैं कि भाई वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी अपने हलकों में मौजूद होते हैं। इनके ठीक सारे मिनिस्टर, इनके MNAs, MPAs जो है डिफेंस में बैठे हुए हैं
और अपने लोगों को बेयारों मददगार छोड़ा हुआ है। तो बात है कि ना कोई डीसी, जो फंड डीसी के पास गए हैं वो तो आवाम तक नहीं पहुंच रहे, बिल्कुल वो ठीक जेबों में जा शर्मा साहब ये सही कह रहे हैं कि फंड्स हमने देखा कि यह घपला होता है कोरोना के जो की मद में भी जो जो इमदादी कार्रवाइयां हुई, जो मदद मिली वो भी उसमें भी घपला हुआ। मैं ये तो खासा है इस हुकूमत का। जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं, वहाँ प्योरली पंजाब में इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपके सीएम है परवेज इलाही साहब। जनूबी पंजाब सेब डूब रहा है शाहनवाज जदौन साहब, वहाँ पे भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब एक्टिव नहीं है, दौरे नहीं कर रहे। इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए, अब उनको सिंध में भी आना चाहिए और जनूबी पंजाब भी और बलूचिस्तान भी जाना चाहिए, नहीं जा रहे और सीरियस ही नहीं ले रहे इस पूरी इस आफत ज़्यादा इस माहौल को। सबीर भाई देखिए, आपने बात की राजनपुर और ये उस बेल्ट की, जी जी वहां पर हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, परवेज इलाही साहब ने विजिट भी किया और गालिबन कल भी वो आ रहे हैं, और खान साहब का भी प्लान किया हुआ है उस पट्टी में भी और बलूचिस्तान के लिए भी और सिंध के लिए भी। बल्कि हमने आज पूरे अपना कराची में जो ना कुछ कैंप आज हमने लगाए और तकरीबन कल से तमाम डिस्ट्रिक्ट में टाउन्स में हम कैंप लगा रहे हैं अपने इंटीरियर सिंध के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इस मुसीबत की घड़ी में है उनके लिए बाकायदा रिलीफ कैंप हम लगा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो भी हम जमा कर रहे हैं, हमने केपी गवर्नमेंट से भी अपील की कि भाई आप बलूचिस्तान को के आवाम की मदद करें, पंजाब गवर्नमेंट को भी खान साहब ने कहा है कि भाई खासकर ये सराई की बेल्ट में जो ज्यादा नुकसान हुआ है तो उन लोगों की आपको करें, और कर रहे हैं हम, हमारी टीम मौजूद है और इंशाल्लाह खान साहब भी विजिट पे आ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं खान साहब भी जल्द विजिट करेंगे। दूसरा इमदादी कैंप से अभी हम देख रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेजेस भी आए हैं, कराची में कैंप्स कुछ जगहों पे लग गए हैं, कुछ जगहों पे लगाए जा रहे हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चूंकि आप इस वक्त मकबूल जमात है, दो सूबों में आपकी हुकूमत है और खान साहब बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पे हैं, तो आप हुकूमत से भी बढ़कर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑनरशिप लें और सैलाब जदगान के साथ खड़े हों, तो उसके लिए कोई शेड्यूल आपके पास आया कि खान साहब कब मूव कर रहे हैं, सैलाब ज़दा इलाकों का विजिट कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह सकीर भाई कल ये आज भी गवर्नर साहब हमारे साथ थे, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने आज यही बताया कि इंशाल्लाह शेड्यूल बना रहे सिंध का भी है और बलूचिस्तान का भी, तो खान साहब जल्द आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी टीमें तो निकल चुकी हैं, हमारे बहुत से एमपीएस गए मुख्तलिफ, जैसे आज मैं बदीन और इंसर सजावल यहाँ से होके आया हूँ, तो इस तरह हमारे बहुत से साथी सक्कर लाड़काना मुख्तलिफ शहरों में जो हमारी एमपीएस हैं, जो हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उन सबकी ड्यूटियां लगाई हैं और हम राशन ले गए अपने साथ, बाकायदा जो भी एमपीएस ले जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस एरिया में जाते हैं तो अपने साथ बाकायदा, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाते हम अपने साथ बाकायदा जो राशन है या जो दूसरे जरूरत अशिया की जो भी चीजें हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि उनके उनके खाली जाने का नहीं कि खाली हम जाके और वहाँ फोटो सेशन करके आए, ताकि उनका जो लोगों का मुदावा है कुछ करके आए हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदौन साहब, और इस वक्त तो जरूरत भी है कि आप आगे बढ़कर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स सैलाब जिंदगान की मदद करें, उनकी उनको रेस्क्यू कर सकें, और क्योंकि ये पहला मरहला है उनको रेस्क्यू करना, फिर उनकी आबादकारियाँ उनके और उसके बाद इस बारिश के जमाशुदा पानी से जो बीमारियाँ फैलेंगी उनकी रोकथाम बहुत बड़ा चैलेंज होगा सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त पाक फौज के जवान जो हैं वो लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं सड़कों पे, सिविल हुकूमतें हमें पीछे नज़र आ रही हैं और उनको भी बढ़ चढ़ कर आवाम का साथ देना होगा, क्योंकि तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से मुतासिर है और लोग बेयारों मददगार हैं, वो अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं, अपने अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, और ये वक्त है कि आप इन मुतासिरीन की मदद करें और जज्बा खैर सगाली के तहत इन लोगों को रेस्क्यू करें और उनकी मदद भरपूर तरीके से उनकी मदद कर सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।